वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। यह है फरात फिशरी एक्वेरियम फिश शॉप लोकेटेड एट कुरला ईस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इनके फ्रेश वाटर और एक्सोटिक फिश वराइटीज़ दिखाई थी। इस वीडियो में हम लोग आपको कोई फिश दिखाने वाले हैं, वो भी नॉर्मल कोई फिश नहीं, जैपनीज कोई फिश, प्योर ओरिजिनल ब्रीड ऑफ जैपनीज कोई फिश, बेहद आकर्षक और बेहद सुंदर होते हैं देखने में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इनके पास बेहद कमाल के कोई फिश वराइटीज़ आए हुए हैं और ये अनकॉमन अनयूजल कोईज है जो आपको देखने को आसानी से मिलेंगे नहीं। इनके बहुत ही खूबसूरत नाम भी है इनके कलर्स और पैटर्न की तरह। सो आपके सामने है कमाल के कोई फिश एट फरात फिशरीज। इनके आप देख सकते हो बेहद स्ट्राइकिंग कलर्स है, बेहद अद्भुत पैटर्न है। ये अनकॉमन कोईज है जो आपको ईजिली कॉमनली देखने को नहीं मिलेंगे एट फिश शॉप्स। सो इनके बारे में हमें बताएंगे मोहसिन भाई। भाई बेहद कमाल की कोईज है आपके पास, कौन से कोईज है, क्या बोलते हैं इनको? अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 7 to 8 वराइटीज़ अवेलेबल है जापनीज कोईज की, और आपको सिलेक्टेड वराइटीज़ भी मिल जाएगी और एसोर्टेड भी मिल जाएगी। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे हो ये हरिवा के जापनीज कोईज है। ओके, और इनका साइज अराउंड 8 inches है अभी। ओके, ये प्रॉपर ओरिजिनल जापानीज कोईज है? हाँ 100%। ओके, क्या आप दोबारा नाम बोलना चाहोगे, क्योंकि मैंने पहली बार ही सुना ये नाम? हरिवा के नाम है इनका। ओके, जापानीज कोईज में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें की ये एक ऐसी टाइप है? हाँ राइट। ओके, प्राइस बता पाएंगे आप इनकी? ये अभी 8 inches में अवेलेबल है, इनका प्राइस है 1200 ईच। ओके, उसके बाद अगली वैरायटी जापानीज कोईज की है। यहाँ पे इनके भी आप रंग देख सकते हो, बहुत ही कॉम्बिनेशन है कलर्स का, डुअल कलर मल्टी कलर देखने को मिल रहे हैं। ये वाले भाई कौन से हैं? इनका नाम है गोरोमो कोईज। ओके, इनका कलर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़े मरून टाइप में है। यूजुअल जो जापानीज कोईज जो आते हैं वो रेड एंड व्हाइट टाइप में आते हैं। अच्छा, और ट्राई कलर्स में आते हैं, रेड ब्लैक एंड व्हाइट। जी जी, बट इनके ऊपर रेड एंड ब्लैक का ओवरलैप है। ओके, जो इनको मरून टाइप का शेड देता है। अच्छा, जापानीज कोईज भाई बहुत बड़े होते हैं, बहुत बढ़ते हैं, कितने बढ़ लेते हैं? 1 meter तक के हो जाते हैं जापानीज कोईज। 3 feet तक? हाँ, 3 feet इजीली क्रॉस करते हैं। डिपेंड करता है लीनियज पर भी। अच्छा, अच्छा लीनियज होगा उतना बड़ा साइज होगा उनका। सो इन खूबसूरत गोरोमोस का क्या प्राइस है? ये अभी 6 inches की साइज में अवेलेबल है। जी जी, इनका रिटेल प्राइस है 650 ईच। यह है नेक्स्ट जापानीज कोई टाइप। आप इनके कलर्स देख सकते हो, गोल्डन येलोइश है जो शाइन कर रहे हैं। आप ऊपर के स्केल्स देख सकते हो इनके, दे आर ग्लोइंग। ये वाले क्या टाइप है? ये मत्सुबा कोई है, मत्सुबा जापानीज कोई। ओ, इनकी क्या खासियत होती है? ये मेटालिक कलर्स में आते हैं जी, गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज। जी जी, और मेटालिक शाइन आप देख सकते हो, एकदम ब्राइट वाइब्रेंट शाइन है इनके ऊपर। राइट, सो ये भाई हाई क्वालिटी हाई ग्रेड के कोईज है। right. तो इनको फूड कैसा खिलाए, कौन सा दे इनको फूड? फूड इनका स्पेशली जो कोई फूड आते हैं जी, वो फूड प्रिफर करो। अच्छा, अगर जापानीज कोई का ही सेटअप है तो जापानीज कोई के स्पेशल फूड्स फॉर्मुलेटेड काफी ब्रांड्स की मिल जाएगी आपको मार्केट में। अच्छा, और वही प्रिफर करना चाहिए। ओके, आप दूर से भी इनके कलर्स देख सकते हो, शाइन कर रहे, प्रॉपर हमको एक शाइन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। ये आप देख सकते हो डोर्सल फिन की तरफ जितनी भी स्केल्स है, ये सारे चमकदार उठ के दिखाई दे रहे हैं। इन मत्सुबा कोईज का क्या प्राइस है भाई? मत्सुबा कोईज भी 6 inches प्लस साइज में अवेलेबल है। ओके, इनका भी सेम प्राइस है 650 ईच। राइट, सो हमने पहले देखे बेहद कमाल के खूबसूरत कोईज, देन डुअल कलर मल्टी कलर में हमने कोईज देखे, उसके बाद में ये पूरे गोल्डन येलोइश कलर्स में हमने देखे। अब अगली वैरायटी आप देख सकते हो, पूरे डार्क पिच ब्लैक ब्लैकिश कोईज है। पूरा आप रंग देख सकते हो, साफ ब्लैकिश है पूरा। ये वाले भाई कौन से कोईज है? इन्हें जेट ब्लैक कोईज भी बोलते हैं। अच्छा, और उनका नाम कारा सुगोई भी है। ओके, ये भी जापानीज कोईज है। राइट, सो टोटली दे आर ब्लैक इन कलर, जेट ब्लैक कलर है जी, कहीं पे भी आपको स्पॉट नहीं दिखेगा, कुछ डार्क नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैकिश इन कलर है। सो जिनका ब्लैक फेवरेट कलर है, दे कैन ऐड दिस कोई इन देयर कोई फिश कलेक्शन। ये वाले कैसे प्राइस में मिलेंगे?
ये भी 6 इंचेस की साइज में अवेलेबल है एट द सेम प्राइस 650 ईच। सो हमने आपको चार खूबसूरत कोई वैरायटीज दिखाई थी। फरहत फिशरीज में और वैरायटीज है खूबसूरत अमेजिंग कोईज की। सबसे पहले हम लोग आपको ये दिखा देते हैं, पूरी वाइट है ये वाली मोहसिन भाई, कौन सी है? प्लैटिनम ओगोन बोलते हैं इसको, इनको। ओके, प्योर वाइट कलरेशन में आती है। ओके, प्लैटिनम ओगोन, ये वैरायटी जापानीज कोईज में बहुत कम देखने को मिलती है फिश शॉप्स में। मैं आपको क्लोज जाके इनका व्यू दिखा देता हूँ, आप इनके स्केल्स देख सकते हैं। एक प्लैटिनम का आपको टिंच दिखाई देगा इनके स्केल्स पर, और बॉडी इनकी व्हाइट होती है। ये वाले क्या प्राइस में मिलेंगे हमको? 6 इंचेस की साइज में अभी अवेलेबल है और इनका भी सेम प्राइस है 650 ईच। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोई। ये वाले कौन से है? ये कोहाकूज है जी, रेड एंड व्हाइट कोहाकूज, कोहाकू कोईज बोलते हैं इनको। ओके, ये वाले कैसे आएंगे? 6 टू 7 इंचेस की साइज में अवेलेबल है, इनका भी सेम प्राइस है 650 ईच। ओके, देन नेक्स्ट कोईज आर योर, ये वाले सांके और शोवाज में ट्राई कलर कोईज अवेलेबल है। ओके, और ये भी 6 इंचेस अराउंड साइज में अवेलेबल है। सो इनके ऊपर ऐसा पैटर्न होता है स्पॉट्स का? हाँ, इनके ऊपर रेड एंड व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ऑलराइट, सो जापानीज कोई की यही खासियत होती है कि हर एक कोई टाइप में, कोई वैरायटी में हमको किसी में अलग कलर का खूबी देखने को मिलेगा, या किसी में हमको अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, ये वाले कैसे प्राइस? काफी वेरिएशन है जापानीज को, इसमें काफी वैरायटीज है जी, और सारी एक दूसरे से अलग है। राइट, ये कैसे प्राइस में मिलेंगे? सेम प्राइस है इनका भी 650 ईच। ओके, देन ये वाले, ये असॉर्टेड कोइज है, कुछ असॉर्टेड कोइज भी अवेलेबल है जी, जो मेटालिक्स में है, शुशुई को कोई के क्रॉस है, मटसुबास के क्रॉस है। ओके, ये हाइब्रिड्स है बेसिकली, और अब ये असॉर्टेड कोइज जी 5 to 6 इंचेस के साइज में अवेलेबल है अभी। ओके, ये आप ऊपर का स्केल्स इनका देख सकते हो किस तरह से हाईलाइट हुआ है। जापानीज कोई शुशुई की वैरायटी है। अच्छा, ये सारे असॉर्टेड में आपको मिक्स कलर्स आ जाएंगे। ओके, इनका भी 650 रुपीस पर पीस प्राइस है असॉर्टेड कोई 6 इंचेस में, और असॉर्टेड 5 इंचेस में भी अवेलेबल है। अच्छा, 5 इंचेस का 500 ईच हो जाएगा। राइट, सो आपको ऐसा अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलेगा कोई फिश का जो हाल ही में फरहत फिशरी में आया हुआ है। दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द अमेजिंग स्टनिंग जापानीज कोईज अवेलेबल एट फरहत फिशरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।